Hey guys, welcome back to my channel. If you haven't subscribed to my channel, please do that right now and don't forget to press the bell icon. Yeah guys, as you've read from the title, this is the Meesho haul which will only contain cord sets. आजकल cord sets बहुत ज़्यादा trending में हैं and मैंने थोड़े अलग-अलग type के cord set मंगाए हैं. Comfy level पे ज़्यादा हैं, वो party wear इतने नहीं हैं. Comfy level पे हैं तो आप gym या walk करने जा रहे हो या हम picnics पे जाते हैं उस पर पहन सकते हो. सो उस टाइप के ज़्यादा हैं, एक दो पार्टीवेयर भी हैं. सो सबसे पहले तो आई एम रियली सॉरी अगर मेरे फेस पे स्वेट वगैरह दिख रहा है, बिकॉज एज यूजुअल मैं पंखा बंद करके वीडियो बना रही हूँ और देहरादून में भी इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी है. इसीलिए तो सबसे पहले मैं आपको ये कॉर्ड सेट दिखा देती हूँ. ये मैंने शर्ट पहनी हुई है, आपको साइड में पूरा ट्राई ऑन हॉल दिख रहा होगा. तो इस शर्ट के साथ शॉर्ट्स हैं. प्राइजेस मुझे याद नहीं है बिकॉज मैंने 6 पेयर्स मंगाए तो मुझे याद नहीं है कि किसका क्या प्राइस है. आप स्क्रीन पर प्राइस भी देख सकते हो. सो इसकी क्वालिटी मुझे थोड़ी सी बेकार लगी, मतलब बेकार नहीं कहूँगी मैं, थोड़ा सिंथेटिक टाइप का फैब्रिक है ये. इसे आप पहन सकते हो बट अभी जैसे मुझे बहुत गर्मी लग रही है तो थोड़ा मुश्किल है पहनना. बट ये आप जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर उस वाले सीजन में इसे आराम से पेयर कर सकते हो. बट गर्मी में मई जून में आप इसे नहीं पहन पाओगे. क्लोथ बहुत सॉफ्ट है, मुझे मेन होता है सॉफ्ट होना चाहिए, तो कपड़ा बहुत सॉफ्ट है, इसका फैब्रिक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है. बस यही इशू है कि थोड़ा फैब्रिक का प्राइस इसका अकॉर्डिंग 200 या 300 के बीच में होगा. आपको मैं दिखा दूंगी उस अकॉर्डिंग से. काफ़ी सही कॉर्ड सेट है, आप इसे शर्ट को अलग पेयर कर सकते हो, शॉर्ट्स को अलग कर सकते हो एंड अलग अलग स्टाइल से आप पेयर कर सकते हो. तो उस अकॉर्डिंग मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया. इसे मैं रेटिंग दूंगी 3.515 जस्ट बिकॉज ऑफ लिटिल बिट ऑफ फैब्रिक. कि थोड़ा सा और सॉफ्ट होता और थोड़ा सा ब्रीदेबल फैब्रिक होता तो इट वुड बी बेटर. बट प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक है, तो आप इसे जुलाई वगैरह में ले सकते हो और इसे अच्छे से पेयर कर सकते हो. इसमें कलर्स भी आई थिंक अवेलेबल है. आपको सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे बिकॉज अब मीशो लिंक्स भी डाउन, मतलब लिंक्स भी भेजने लग गया. अब लिंक्स हम शेयर कर सकते हैं, हमें कोड्स की जरूरत नहीं है. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल. सो सबसे पहले मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतना अच्छा टर्न आउट होगा. मैंने ऐसे ही मंगा लिया था बिकॉज देखते कुछ और है, आता कुछ और है. बट ये काफ़ी सही है, सब में से सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव यही है. इसका प्राइस अराउंड 650 एंड ओ माई गॉड दिस आइटम इज वाओ. दिखा देती हूँ मैं आपको. सबसे पहले तो इसका ये टॉप है, ये टॉप एक क्यूटी सा टॉप है एंड मुझे ऐसे टाइप के छोटे छोटे से क्यूट से कपड़े बहुत पसंद है. ये इसकी बैक है एंड ये इसकी फ्रंट है, ठीक है. तो इसके साथ हमें पूरा पेयर मिलता है, 3 पीस सेट है ये एंड आप देख रहे हो अभी तक मैंने टैग भी नहीं उतारा है. ये है इसके ऊपर ब्लेजर, दिस इज द ब्लेजर. आपको साइड में पूरा ट्रायल हॉल दिख रहा होगा अगर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा. ये इसका ब्लेजर है एंड उसके बाद ये है इसकी पैंट्स. पैंट्स आर लाइक वाओ, मतलब ना ज्यादा टाइट ना ज्यादा लूज, परफेक्ट आई है. साइज मैं आपको बता दूंगी, किसी में मैंने एम की है किसी में मैंने एल की है. मैं आपको साइज भी बता दूंगी साइड में. ये इसकी पैंट्स है, पूरा पिंक कलर का पेयर है ये, मैजेंटा पिंक कलर का. मुझे था पता नहीं कैसा आएगा, इसमें सिर्फ एक ही कलर अवेलेबल है विच इज ब्लैक. मैं बोर हो गई हूँ ब्लैक पैंट पहन के, हर जगह ब्लैक ब्लैक ब्लैक, तो मुझे थोड़ा अलग सा कलर चाहिए था इसलिए मैंने पिंक मंगाया. एंड आप साइड में ट्राउन हॉल देख सकते हैं कि क्या प्यारा सी फिटिंग, क्या प्यारी लग रही हूँ मैं इसमें. लाइक लिटरली आई एम सेल्फ ऑब्सेस्ड राइट नाउ, इतना प्यारा है ये. और एज यू ऑल नो आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट, तो कभी जैसे इवेंट्स में जाना है या मैं यूट्यूब भी बनाती हूँ, तो भगवान करे कभी इवेंट्स में जाना हो एंड मेकअप के लिए कहीं रिजॉर्ट जाना है, कहीं जाना है, तो वहाँ पे ऐसे टाइप के थोड़े क्लासी प्लस प्रोफेशनल टाइप के कपड़े बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं. आप इसे मीटिंग में भी पहन सकते हो अगर आपकी ऑफिस की मीटिंग है, या थोड़ा टॉप में साइड में से स्किन विजिबल होती है तो अगर आपको प्रॉब्लम है उस चीज़ में तो आप नीचे शर्ट पेयर कर सकते हो, कुछ भी पेयर कर सकते हो. बट वैसे आप ये पार्टीज में भी पेयर कर सकते हो, अच्छा लगता है. न्यू ईयर हो या वैसे हो, पूरा पेयर बॉम लगता है, लिटरली बॉम. आ जाती हूँ मैं स्कर्ट टॉप पे. ये थोड़ा सा पार्टी वेयर है, मतलब आप पहन सकते हो पार्टीज में, जैसे फ्रेंड की पार्टी है, बर्थडे पार्टीज है. अपनी बर्थडे पे मैं इतना सिंपल नहीं पहनती, बट ये आप किसी अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी के अकॉर्डिंग पहन सकते हो. ये है सबसे पहले आपकी स्कर्ट, और इसमें आई थिंक एक ही कलर अवेलेबल था. ये है आपकी स्कर्ट और आप ये देख सकते हो स्ट्रिंग अटैच है, तो आप इसे जितनी मर्जी छोटी कर सकते हो एक साइड से, तो ये ऐसी समथिंग शेप आ जाएगी, ठीक है. एंड इसके साथ में सेम टाइप का हमें मिलता है टॉप, विच इज़ वन शोल्डर टॉप. या ये ऐसा टॉप है, एक साइड आपको ये स्लीवलेस ये आएगी एंड एक साइड कुछ नहीं आएगा, और यहाँ पे भी स्ट्रिंग है, आप इसे जितना छोटा चाहो कर सकते हो. द मेन प्रॉब्लम इज दिस वाइट इज ट्रांसपेरेंट, दैट्स अ वेरी बैड थिंग फॉर मी. मुझे
अच्छा नहीं लगता ऐसे ट्रांसपेरेंट, ये थोड़ा रिप टाइप का फैब्रिक है, ट्रांसपेरेंट ये ज़्यादा नहीं है, बट हाँ इसके नीचे जो लॉन्जरी पहनोगे वो दिखेगी, इसीलिए मैंने इसके ट्राई ऑन हॉल में अपने आगे बाल कर रखे हैं। और मैं कोई और लॉन्जरी नहीं पहन पाई क्योंकि अवेलेबल नहीं थी, मेरे को मिल नहीं रही थी, तो मेरे को वीडियो बनानी थी। तो अब इसके नीचे गो फॉर न्यूड ब्रालेट और न्यूड ब्रा, बिकॉज वही जाएगी, वाइट भी जा सकती है बट कभी कभी वाइट भी ट्रांसपेरेंट मतलब ट्रांसपेरेंट फैब्रिक से दिखती है, तो आप इसके नीचे न्यूड पहन सकते हो। अदरवाइज अकॉर्डिंग टू प्राइस ठीक है ये, बट इसका भी फैब्रिक थोड़ा सा रिब्ड में है, वो तो ना गरम गरम सा थोड़ा फैब्रिक, गरम नहीं है वॉर्म नहीं है ये, बट इसका फैब्रिक थोड़ा रिब टाइप का है। अदरवाइज आप इसे यही जुलाई वगैरह में अच्छे से पेयर कर सकते हो, इवन जून में भी कर सकते हो, इतना बहुत वो नहीं है, बट यार थोड़ा सा फैब्रिक और ट्रांजी की वजह से मुझे ये नहीं पसंद आया। या लास्ट पिंक वाले की रेटिंग 5/5 है एंड इसकी रेटिंग अगेन मैं 3.5/5 दूंगी। एंड स्कर्ट अच्छी है नो डाउट, दोनों का फैब्रिक सेम है एंड प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक है एंड कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा है। सो बस ट्रांसपेरेंट है थोड़ा सा और थोड़ा सा फैब्रिक का मुझे डाउट है कि थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाता और थोड़ा सा और समर अप्रोप्रिएट हो जाता तो बेटर होता। नेक्स्ट इज दिस, दिस इज द ब्लू शॉर्ट्स, नेवी ब्लू, इसमें काफ़ी कलर्स अवेलेबल है नेवी ब्लू एंड साथ में इसके है ये स्लीवलेस टॉप, इसके ये टॉप है क्रॉप टॉप, मोस्टली क्रॉप टॉप्स हैं एंड इसे आप जिम में पेयर कर सकते हो। इसका फैब्रिक भी सेम उसकी तरह है, वो स्कर्ट टॉप की तरह रिप्ड फैब्रिक है, जिम में आप इसे कर सकते हो, बट आई थिंक जिम में इसमें बहुत स्वेटिंग होने वाली है, हद स्वेटिंग। एंड वन मोर थिंग, मुझे जो इसकी जिम के अकॉर्डिंग उन्होंने लिखा नहीं था जिम के लिए, बट अगर मैं इसे जिम में पहनूँ तो थोड़ा सा ये मुझे लगता है कि जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो डीप हो सकता है, सो आई एम कम्फर्टेबल इन दैट, बट बहुत लोग अनकम्फर्टेबल होते हैं इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। सो ये थोड़ा सा डीप हो सकता है तो इसीलिए मैं आपको अवॉइड करूंगी कि जिम में ना पहनो। वैसे आप पहन सकते हो पिकनिक्स पे या आप कहीं पे भी जा रहे हो, खेलने जा रहे हो, वॉट एवर, वहाँ पहन सकते हो जहाँ आपका ज़्यादा यू नो झुकने वाला काम नहीं है, ज़्यादा आपको बेंड होके चीज़ें नहीं करनी है, दैट्स बेटर। और क्या पता एक्चुअली मेरे शोल्डर्स मेरी बॉडी के हिसाब से नहीं है, मेरी बाकी बॉडी ठीक है बट मेरे शोल्डर्स में हर चीज़ डीप होती है, तो मे बी शायद मुझे डीप आ रहा हो, आप लोगों को सही आए तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। रिब्ड फैब्रिक है, इसकी भी रेटिंग 3.5/5 है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। ऑल दो ये मुझे पेयर अच्छा लगा है बट यू कांट वेयर इट इन पार्टीज और समथिंग, यू कैन वेयर इट इन योर पिकनिक्स एंड योर आउटिंग्स, अगर आप दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हो ऐसे ही दोपहर को घूमने फिरने तो आप पेयर कर सकते हो इसे। दिस इज द ब्लैक शॉर्ट्स और इसे मैंने ब्लैक में इसलिए मंगाया क्योंकि इसके नीचे ये लाइनिंग लाइनिंग सी है और बाकी कलर में वो ब्लैक ब्लैक लाइनिंग मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने इसे ब्लैक कलर में मंगा लिया। तो ये इसकी शॉर्ट्स है एंड ये इसका टॉप है, टॉप का पैटर्न मुझे अच्छा लगा, मैं बचपन में पहनती थी ऐसे कपड़े तो मुझे अच्छा लगा कि ये दोनों साइड से ऐसे, वन सेकेंड, या तो ये दोनों साइड से ऐसे खुला है, आप इसको यहाँ पे नॉट बांध लो ऐसे करके, ये तो पूरा टॉप बन जाएगा। मैं बचपन में पहनती थी ऐसे कपड़े, बहुत पहने मैंने ऐसे कपड़े, सो काफ़ी सही है, क्वालिटी ठीक है, रिप्ड है बट ये उसके मतलब उन दोनों पेयर के मुकाबले काफ़ी सही है, थोड़ा ज़्यादा मेरे को समर अप्रोप्रिएट लगा है। एंड इस सारी शॉर्ट्स में से मुझे सिर्फ इसकी फिटिंग थोड़ी टाइट आई और मुझे शॉर्ट्स हमेशा लूज अच्छी लगती है, आई डोंट रिकमेंड टाइट शॉर्ट्स, मुझे नहीं पसंद, पता नहीं क्यों, मुझे कंफर्टेबल कंफर्टेबल फील करना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो ये शॉर्ट्स उसके अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगी। तो आप इसमें एक बड़ा साइज मंगा सकते हैं और अगर आप टाइट फिट पहनते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग साइज कर सकते हैं, मुझे साइज में कोई इशू नहीं आया, जो साइज मैंने मंगाया वो ठीक ही आया, बस ये थोड़ी सी टाइट आई, वैसे ही स्ट्रेचेबल है, देखो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच है इसमें, सो नो डाउट इसको मैं दूंगी 4/5। या ये भी ये आप जिम में पहन सकते हो बट या इसके फैब्रिक वो नहीं है जैसे हम जिम में पहनते, ड्राई फिट नहीं है, बट हमारी मर्जी में जो पहनना है पहन सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू, सो आप इसको ट्राई दे सकते हो। और प्राइस के अकॉर्डिंग गाइस सारी चीज़ें बहुत सही हैं, बॉम्ब, लिटरली बॉम्ब, सारी चीज़ें मुझे एक्सपेक्ट नहीं थी इतनी अच्छी आएंगी बट बहुत बढ़िया आई है, प्राइस के अकॉर्डिंग तो बहुत ही बढ़िया है। नाउ लेट्स कम टू आवर लास्ट आइटम, सो दिस इज द शॉर्ट्स, फर्स्टली लुक एट द कलर, वॉट अ कलर, सो ये है एंड ये आ गया थोड़ा सा हमारा सिंथेटिक फाइबर में, फाइबर सॉरी फैब्रिक में एंड इस पे लिखा हुआ फ्रेंड्स विच आई डोंट हैव, लिखा हुआ फ्रेंड्स विच आई डोंट हैव, सो फ्रेंड्स एंड ये इसका ये मतलब वेस्ट पैटर्न जो काफ़ी सही है, बहुत अच्छा हाई बैंड है इसका, काफ़ी सही क्वालिटी का बैंड है एंड सिंथेटिक है, सिंथेटिक में भी सबसे बढ़िया चीज़ चुभने वाला नहीं है वरना मैं इसे देख भी नहीं पाती, तो ये चुभने वाला नहीं है, सॉफ्ट फैब्रिक है एंड इसके साथ में ये टॉप है। बस एक चीज़ मुझे इसकी अच्छी नहीं लगी है, मैं बताती हूँ अभी आपको, या
सो ये है, इसमें भी फ्रेंड्स लिखा है, वन चीज आई डोंट लाइक इज दिस, इसके नीचे जो इलास्टिक होता है ना उसकी वजह से हमारा स्टमक जितना मोटा नहीं होता उससे भी ज्यादा मोटा लगता है, क्योंकि ये बिल्कुल यहाँ पे आपको फिट हो जाएगा तो पेट ऑब्वियसली थोड़ा सा बाहर निकलता है, बट कोई बात नहीं, मुझे ये अच्छा लगा इसलिए मैं रखने वाली हूँ ये, और इसको मैं शॉर्ट्स को थोड़ा ऊपर करके पहन लूंगी तो पेट दिखेगा ही नहीं, और काफ़ी सही है, जिम के अकॉर्डिंग परफेक्ट है, बिकॉज एक तो सिंथेटिक फैब्रिक है, थोड़ा स्वेट प्रूफ होगा ये, एंड प्लस सबसे बड़ी बात इसकी ये जो नेक है ये बहुत डीप नहीं है, बिल्कुल यहाँ तक आएगी, तो आप कंफर्टेबली इसमें एक्सरसाइज कर सकते हो। मैं भी जिम ज्वाइन करने का सोच रही हूँ तो मैं ये पेयर तो ज़रूर ज़रूर रखने वाली हूँ अपने जिम के आउटफिट्स में, तो उसके अकॉर्डिंग दिस इज़ परफेक्ट, और आप इसे अलग अलग भी पहन सकते हो, शॉर्ट्स को अलग किसी ब्लैक टॉप के साथ पहन लो, इसे ब्लैक लेगिंग के साथ पहन लो, जो मुझे कॉर्ड सेट में सबसे बढ़िया लगता है, अलग अलग आराम से पेयर कर सकते हैं, यू मस्ट गिव इट अ ट्राई। इसकी मैं रेटिंग दूंगी 4.5/5, मज़ेदार। होप आपको ये वीडियो पसंद आई और हेल्पफुल रही हो, आप अगर कॉर्ड सेट सर्च कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर मिले, और आप आराम से अच्छे से कॉर्ड सेट पेयर कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि लाइफ में और कुछ खुशी होना हो, कपड़ों मेकअप और खाने की खुशी हर लड़की की ज़िंदगी में होती है जिनको पसंद है, कुछ लोगों को मेकअप नहीं पसंद, बट आई थिंक खाना तो सबको पसंद है और कपड़े तो सबको ही पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है। सो मेकअप एंड खाना एंड क्लोथ्स इज माई बेस्ट मेंटल थेरेपी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, सो इसीलिए मैंने फटाफट से शॉपिंग भी कर ली, तो आप भी शॉपिंग कीजिए, जाइए मीशो पे, बढ़िया बढ़िया सी शॉपिंग कीजिए, दिस इज़ अ नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो, मीशो मुझे कोई पैसे नहीं दे रहा है, आप मेरे ऑडियंस बढ़ाइए तो मुझे पैसे मिले तो मज़ा आए। सो या गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, वील मीट सून विद अनदर वीडियो, बाय।